शिवराज सरकार के राज्य में बेटियों की सुरक्षा की हालत इतनी खराब हो गई है कि मनचले आरोपी से परेशान होकर नाबालिग बच्ची ने फांसी लगा ली। आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आरोपी युवक ने घर में घुसकर बच्ची के साथ छेड़खानी की और उसके भाई को भी पीटा। बेटियों की सुरक्षा के लाख दावे करने वाली सरकार की हकीकत सामने आ गई है, सारी पोल खुल गई है। बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने वाले मामा जवाब दीजिए। छतरपुर की बेटी आपके राज में स्कूल नहीं जा पाती, रास्ते में मनचले आरोपी छेड़खानी करते हैं। छेड़खानी से परेशान होकर नाबालिग छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, लेकिन आप सुरक्षा नहीं दे पाए। मां के आंसू की कीमत और एक बेटी को खोने के दर्द को देख लीजिए, कैसे मां का रो रोकर बुरा हाल है। बेटी की खुदकुशी से पिता के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे। लेकिन शिवराज मामा के राज में मनचले की इतनी हिम्मत कि बेटी से छेड़छाड़ करने के लिए आरोपी घर में घुस जाता है और बेटी को घर के अंदर घुसकर छेड़ता है। बेटी के भाई को धमकी देता है और फरार हो जाता है। छेड़खानी कर रहा था ये। अच्छा। तो ये लड़ाई झगड़ा हो गया कुछ। ये लड़का यहाँ पे किराए से रहता है, कुशवाहा जी रहते यहाँ पे। हाँ। उनके यहाँ किराए से रहता है। कोटरा उटरा का है कहीं। अच्छा। बोल नहीं दिया, मैं ये दो तीन दिन से सारी कर रहा, सोने हमें रात को बताया था कल। हाँ, उसने कॉलर पकड़ी पहले से। मामला तो दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई कब तक होगी जबकि आरोपी अभी भी फरार है, या फिर आश्वासन ही देते रहेंगे? ये नाबालिग बच्ची ने मॉर्निंग के समय फांसी लगा के डेथ होने की सूचना थाने पे आई थी। तत्काल थाना प्रभारी और समस्त बल वहाँ पहुँचा था और उसमें मेरी सम्मत कार्रवाई करते हुए तत्काल उसमें मर्ग कायम किया और मर्ग उपरांत परिवारजनों के कथन हुए। कथन के आधार पर 305 की FIR रजिस्टर कर ली गई है और आरोपी को हमने राउंड अप कर लिया। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।